साथियों, उच्च पत्रभार और अतिशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग के विवाद में बड़ी कार्रवाई, देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पत्रभार एवं अतिशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग का पूरा जिम्मा अपर संचालक कामना आचार्य के पास है। काउंसलिंग का टेक्निकल कामराज शिक्षा केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आए प्रोग्रामर देख रहे हैं। अपर संचालक के दिए निर्देशों अनुसार प्रोग्रामर काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अपर संचालक के बार बार बदलते निर्देशों के चलते ही पिछले 1.5 साल से काउंसलिंग प्रक्रिया में घमासान मचा हुआ है। अब मंत्री स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह ने प्रोग्रामर को हटाने के लिए नोटशीट लिखी है। नोटशीट में राज शिक्षा केंद्र ने जैन के स्थान पर अन्य की प्रतिनियुक्ति करने के लिए लिखा है, जबकि लोक शिक्षण में ही कई प्रोग्रामर पदस्थ हैं। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन हो गई काउंसलिंग। लोक शिक्षण के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च पदप्रभार एवं अतिशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग ऑनलाइन की जाना थी, लेकिन यह काउंसलिंग ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन चल रही है। इतना ही नहीं, काउंसलिंग के दौरान जिलों में खाली पद भी छिपाए जा रहे हैं। इन खाली पदों पर मनमर्जी से पदस्थापना दी जा रही है। उच्च पद प्रभार अतिशिष्ट व अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ होने से पूरा विभाग चकरघनी है। इसके चलते स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो यह थी उच्च पद प्रभार एवं अतिशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।